सहरसा विधानसभा के राजद विधायक अरुण कुमार यादव के द्वारा सुपरस्टार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर दिए जातिवाद बयान को लेकर सियासी घमासान मच गया है, जिसको लेकर पार्टी के राजद नेता सह पूर्व जिला पार्षद प्रवीण आनंद ने विरोधी पार्टी पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि प्रवीण आनंद ने कहा कि राजद परिवार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़ा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर राजद विधायक का ये अपना बयान हो सकता है, लेकिन ये सत्य है कि तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता के दबाव में, राजद परिवार के दबाव में नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को इसकी सीबीआई जांच के लिए लिखा है। सुशांत सिंह मौत पर जो राजद विधायक ने अपना बयान दिया है, उस बयान को तोड़ मरोड़ कर लोगों के बीच रखा गया है। विधायक जी का कहना है कि राजपूत निडर और साहसी होता है, राजपूत महाराणा प्रताप के वंशज है। सुशांत सिंह गले में फांसी क्यों लगाएगा, उनकी हत्या हुई है, वे राजपूत समाज के लिए फांसी नहीं लगा सकता। यह बयान साबित करता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, और विधायक जी का बयान भाजपा जदयू के समझ से बाहर है जो इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। वहीं जेल में बंद आनंद मोहन को लेकर प्रवीण आनंद ने कहा कि नीतीश जी का सोच राजपूत समुदाय के खिलाफ है। और इस देश में सुशांत सिंह का मामला बहुत जोर शोर से कर रहा है, और सुशांत सिंह का जो मौत हुआ उसका सीबीआई जांच भी चल रहा है। सीबीआई जांच जो चल रहा है, इसके अलावा आपके जो विधायक हैं आरजेडी के विधायक अरुण कुमार यादव, उनका बयान क्या निजी है या फिर पार्टी लाइन का है, पार्टी का बयान है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजद परिवार को सुशांत सिंह की हत्या हुई है इसके इस परिजन के साथ है। राजद परिवार का स्पष्ट कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, और माननीय तेजस्वी जी राजद परिवार एक पैर पर खड़ा होकर के सरकार से मांग किया कि इसकी सीबीआई जांच हो। आज तेजस्वी जी आवाज़ नहीं उठाते, राजद परिवार आवाज़ नहीं उठाता, तो आज इसकी सीबीआई जांच नहीं होती, क्योंकि नीतीश जी का सोच जो है वो राजपूत समुदाय के खिलाफ है। नीतीश जी दुष्टता से भरे हुए राजनीति करते हैं और राजपूत समाज के विरोध में वो काम करते हैं। आज उन्हीं का देन है कि आनंद मोहन जी आज जेल में, आज सजा काटने के बावजूद भी आनंद मोहन जी जेल में रहे, और ये बिहार सरकार का अपना पावर है कि वो अब उनको बरी कर सकता है, उनके लिए पहल कर सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं। यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई है, माननीय विधायक जी का जो बयान है उस बयान को पहले आप देखिए। उनका कहना है कि राजपूत निडर होता है, राजपूत साहसी होता है, राजपूत महाराणा प्रताप के वंशज है, वो गले में फांसी क्यों लगा है, उसकी हत्या हुई है, ये बयान उसको साबित करता है। विधायक का बयान, विधायक जी का बयान जो है वो इस बात को साबित करता है कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है, वो कभी भी राजपूत समाज के लिए कभी भी जो है ये वो गले में फंदा नहीं लगा सकता। भाजपा और जदयू, क्योंकि इसको जो है समझ से बाहर की बात है कि इस पर राजनीति कर रहा है। आप उनके बयान को देखिए, बयान में स्पष्ट है, उन्होंने कहा है, विधायक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पराक्रमी लोग होते हैं, साहसी लोग होते हैं राजपूत, वो गले में फंदा कभी नहीं लगा सकता है, इसकी हत्या हुई है और इसकी जांच हो रही है सीबीआई से। इस बात को तो उनका बयान प्रमाणिकता के साथ सत्य हो रहा है, ये गलत बयान है। और खास करके हमको लगता है कि जदयू भाजपा का जो बयान है ये गलत बयान है। इस बयान पर हम लोग जो है कंसर्स हैं, हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के साथ हैं, उसके परिजन के साथ हैं, जिस सीबीआई जांच के साथ हैं, और सब दिन साथ रहेंगे।